एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बीती रात घर वालों के बीच में एक और बड़ी लड़ाई हुई। टीना और शालीन घर में सबसे भयंकर तरीके से लड़ते हुए नजर आए। ऐसा इसीलिए क्योंकि शालीन भनोट ने निमृत कौर आलूवालिया को कैप्टनसी देने का फैसला कर लिया और ऐसे में यहाँ पे टीना और शालीन भयंकर तरीके से भिड़ते हुए नजर आए। प्रियंका भी इस लड़ाई का हिस्सा थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि टीना दत्ता ने दलजीत कौर यानी कि शालीन भनोट की एक्स वाइफ के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी की, जिस पर अब दलजीत कौर का रिएक्शन सामने आया है। दलजीत कौर के रिएक्शन ने इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ सुर्खियां बटोर रखी हैं। बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स को लेकर क्या कुछ कहती हैं दलजीत कौर, बताएंगे आपको पूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, आपको बता दें टीना दत्ता ने ये कहा था शालीन भनोट से कि जो लड़का अपनी बीवी की डिग्निटी नहीं रख पाया, वो मेरे करेक्टर के बारे में बात ना ही करे तो बेहतर होगा। तुम खुद के बारे में तो कुछ जानते नहीं हो। जी हाँ, यहाँ पे उनकी बीवी यानी कि दलजीत कौर के बारे में बात हो रही थी। टीना ने गुस्से में शालीन भनोट के पास्ट से रिलेटेड बातों को उछाल दिया, तो वहीं दलजीत कौर ने इस पर अपनी स्टेटमेंट जाहिर करते हुए ये कहा है कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर ना होते हुए भी अक्सर वहीं होती हूँ। मेरे बारे में लगातार घर में बातें होती हैं। जब यहाँ पे अर्चना गौतम के पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात हुई थी, तब सलमान ने साफ तौर से डांट कर कहा था कि बाहर की बातें घर में नहीं होंगी, तो आखिर मेरी बातें लगातार घर के अंदर क्यों हो रही हैं? क्यों मेरे नाम को बार बार अलग अलग लोग उठाते हैं? कभी अर्चना गौतम, कभी खुद शालीन भनोट, कभी टीना दत्ता। मैं घर में ना होते हुए भी घर में ही हूँ। अगर घर की इस वक्त कोई अल्टीमेट विनर नज़र आ रही है तो शायद वो मैं ही हूँ। मैं एक बार फिर से सलमान खान से गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरा नाम हर बार बीच में घसीटा ना जाए, और अगर मेरा नाम लिया जा रहा है तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लें। दोस्तों, दलजीत के रिएक्शन से साफ समझ में आता है कि वो साफ साफ इस बारे में कह रही हैं कि शालीन भनोट के साथ उनके नाम को किसी भी तरीके से रोका या जोड़ा ना जाए, किसी भी तरीके से उनके रिश्ते को शालीन भनोट के साथ ना बताया जाए, क्योंकि उनका रिश्ता शालीन से बहुत पहले खत्म हो चुका है। आप क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।